महोबा जिले में जनपद नोडल अधिकारी विजय प्रकाश पहली बार जनपद पहुंचे। ये उनका पहला दौरा है। जिले में पहुंचकर पुलिस लाइन और शहर कोतवाली का निरीक्षण किया गया। इस दौरान शासन की मंशा के अनुसार अपने माथहतों को दिशा निर्देश दिए गए। मुझे महोबा जनपद के लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया, पुलिस नोडल ऑफिसर। तो उसी के संबंध में जो डिफरेंट शासनादेश के क्रम में भ्रमण कार्यक्रम मेरा है, तो मैं डिफरेंट जगह पे जा करके अपने भ्रमण कार्यक्रम के हिसाब से जो व्यवस्थाएं उनको देख रहा हूँ। सर कहाँ कहाँ आपने अभी किया? अभी पुलिस लाइन और एक पुलिस स्टेशन का मैंने किया। क्या दिखा सर यहाँ पर? हाँ, वो जो पॉइंट्स हैं उनको पॉइंट्स को नोट किया गया है और अपनी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट में मैं अवगत कराऊंगा शासन। सर पहला दौरा है आपने, और किस तरह के निर्देश दिए हैं? हाँ, वो एसपी साहब को हमने काफ़ी बताया है, जो चीज़ें हैं जो पॉइंट आउट करने की, हमने यहाँ पे भी पॉइंट आउट किया, अपनी रिपोर्ट में भी हम बताते हैं। सर रोड की घटनाएं ज़्यादातर होती हैं, उनको रोकने के लिए कुछ प्रयास हैं? नहीं, वो आप एसपी साहब से ही पूछिए। मेरा जो मैंडेट है मैं उतना ही मैंडेट पे काम करूँगा। पुलिस महानिदेशक गोरखपुर दावा शेरपा द्वारा जनपद की थाना कस्का का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर के आवासीय भवनों, भोजनालय, शौचालय और उठने बैठने के स्थानों को भी स्वच्छ रखने हेतु निर्देश दिए गए हैं। विवेचना निस्तारण, अभिलेखों के रखरखाव, मालखाना निरीक्षण और लावारिस और मुकदमों के हल का जरूरी निर्देश दिए गए हैं। जनपद कुशीनगर में नोडल अधिकारी के रूप में आया हूँ। नोडल अधिकारी के रूप में यहाँ मूल रूप से पुलिस से संबंधित जैसा नियोजन है, हायर सर्विस है, 900 की सुविधाएँ हैं, इसकी रूपरेखा किस प्रकार से चलाई जा रही है, उससे जनता को जो अपेक्षित सेवाएं प्रदान करनी है तो क्या है, हमारे थाने चौकी या हमारे पुलिस तंत्र जो जन समस्याओं के निस्तारण में क्या किया जा रहा है, किस स्तर का निस्तारण है, अपराध और कानून व्यवस्था को कानून व्यवस्था में शामिल रखने और अपराध और नियंत्रण के लिए ज्यादा तैयारियाँ हैं और आगे अभियोजन में से लेकर सजा दिलाने की जो प्रक्रिया उसमें क्या योजना है, क्या प्रयास है, उसको एक समीक्षा करने के लिए पहला दरबार यहाँ है और हमने व्यापक रूप से लोगों से बात की है, अपने अधिकारियों से भी बात की है, प्रतिनिधि से भी बात करेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे, उनकी अपेक्षाएँ क्या है, जनता की जो भी जब भी आगे बढ़ना चाहेंगे, मैं कल तक हम उसकी बात बता सकते हैं, अपनी समस्या भी बता सकते हैं, नहीं तो सुझाव भी बता सकते हैं, जरूरी की समस्या ये कभी बताएं, सुझाव भी बता सकते हैं, चीज़ों को बेहतर करें। किसी थाने का निरीक्षण भी किया गया आपके द्वारा? आज मैं थाना कसिया का निरीक्षण किया, कल मैं सुबह पुलिस लाइन और यहाँ पर लाइन हमारे कर्मी किस तरह का असुविधा है, निरीक्षण करूँगा और शहर की पटना शहर की क्या व्यवस्था चल रहा है या मूल एक नब्ज, जैसे मैंने कहा नब्ज जाने की प्रयास करूँगा। सुरक्षा तो प्रत्येक नागरिक की सुनिश्चित होनी है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो जोखिम भरा है, उसमें पत्रकार भी उसमें आते हैं, उनका काम ही के कारण जोखिम रहता है, क्योंकि चाहे ना चाहे आपको कई चीज़ किसी को पसंद आए ना आए उसमें उम्मीद करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है, या आपको करते रहना चाहिए, तो पत्रकारों की सुरक्षा प्राथमिकता रहनी चाहिए और विगत दिनों में कुछ घटनाएं हुई है और इसके बारे में मुझे जानकारी है, मैं अभी तक क्या कार्रवाई हुई, क्या होनी है इसके बारे में और बात करूँगा, जिले में जो संबंधित लोग हैं। बदायूं जिले के क्षेत्र दातागंज में आर्य रामलीला कमेटी के रामलीला मंच का उद्घाटन मुख्य अतिथि कर्म योगी कुशल नेतृत्व के धनी सर्व हितैषी लोकप्रिय नेता सांसद धर्मेंद्र कश्यप लोकसभा आंवला ने फीता काटकर रामलीला मेला दातागंज का उद्घाटन किया। सांसद जी ने संबोधन में कहा कि भगवान श्री राम के जीवन से हम सभी को चरित्र आचरण सुधारने की प्रेरणा मिलती है, भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने दैनिक जीवन में उतारें, तभी इस रामलीला के मंचन और कलाकारों का मकसद सफल होगा। हरिद्वार के रोशनाबाद क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है अवैध निर्माण। हरिद्वार सिडकुल क्षेत्र के नजदीक जहां
हर जगह अतिक्रमण और अवैध निर्माण नजर आ रहा है। बता दें कि इस क्षेत्र में कालोनाइजर अवैध निर्माण को खूब फैला चुके हैं। कहीं अवैध रूप मकान बनते जा रहे हैं तो कहीं अवैध मार्केट बनाकर दुकानें बेची जा रही हैं। यही नहीं, ग्राम पंचायत की जमीन को भूमाफिया और कालोनाइजर लगभग पूरी तरह से निगल चुके हैं। रोशनाबाद सलेमपुर के पास हितमपुर के पास में ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है, क्या है सर ये पूरा मामला? कुछ लोगों द्वारा जो है नदी में निर्माण किया जा रहा है और उसका मालिकाना हक है नहीं है। कल को कोई दुर्घटना होगी या बाढ़ आएगी तो भी नुकसान होने की संभावना है। इसी प्रकार कतिपय लोगों द्वारा जो है बिना किसी उसके नक्शा पास कराए या लेआउट पास कराए अपना जो कॉलोनियाँ काटी जा रही है, कार्रवाई उस पर की जा रही है ताकि भविष्य में लोगों का हित जो है वो खराब ना हो, किसी को जो है नुकसान ना हो, कोई अपना पैसा ना खुला ले। और जनता से भी अपील की जाती है कि जो अप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं उन्हीं में ही प्लॉट लें, दाएँ बाएँ प्लॉट डालें। बाद में जो है इन प्लॉट के कारण उनका पैसा भी जाता है और उनको मानसिक जो है वो भी जो है हानि होती है। और आज जो कार्रवाई की जा रही, आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। सर लगभग कितनी कॉलोनियाँ इस क्षेत्र में जो अवैध हैं? इस तरह की बहुत सी कॉलोनियाँ हैं, आज कार्रवाई प्रारंभ की गई, आगे कार्रवाई चलती रहेगी। सर ये तो एरिया हितमपुर का पड़ता है लेकिन प्रशासनिक भवन के बिल्कुल नज़दीक भी केवी केयर कंपनी पड़ती है, वहाँ भी ये अवैध निर्माण बहुत जोरों शोरों पर है। आपने अभी बताया है, उसको दिखवा लेंगे कि उनके द्वारा उसको अप्रूव कराया गया है अथवा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा एक पॉलिसी बनाई गई है कि जो बायर्स हैं जो प्लॉट्स लेते हैं उनके लिए जो है वहाँ मिनिमम कुछ सुविधाएँ आवश्यक हैं, जैसे पार्क है और रास्ते हैं और पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, वो हर सुविधा उनको उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होता है। लोग जो है इन चीज़ों से बचते हैं, अपना पैसा बचाना चाहते हैं और लोगों को ठगते हैं, उस ठगी से बचाने के लिए कार्रवाई की। मुजफ्फरनगर जिले के क्षेत्र लुहारी में 3 साल पहले विक्रम के पुत्र को गोली मारी गई थी जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उन पर जानलेवा हमले हो रहे हैं जिससे उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। पीड़ित पक्ष ने कई बार मदद के लिए थाने में तहरीर भी दी है लेकिन प्रशासन ने आरोपियों पर प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं की है और अब उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। ये आपका नाम? मेरा नाम विक्रम है। बताइए जी, आपके साथ पूरा मामला क्या हुआ है? सन 2016 में मेरे बच्चे के दिन दहाड़े दिन के 4 बजे गोली मारी। अच्छा, किस आदमी ने गोली मारी? सलीम वकील नदीम उरूप लक्कड़ सेजाद उरूप आलम जी उरूप नदीम जी राजा और राजा, ये सब मौजूद थे। पूरा गांव इकट्ठा होकर देख रहा था, गांव के शटर भिड़ गए, पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस ने यहाँ अब तक के ये कहा कि मैं अपना कट्टा दे देता कि मैं मजबूर हूँ, मुझे ऑर्डर नहीं है इतने अन्य, बहुत जाचती आप पे हो रही साहब, हम बहुत बड़े मजबूर है, हमारे पास भी फैसले का दबाव डाल ले। आलम मियाँ भी आया जी। इसमें कादिर मियाँ भी आया कि फैसला कर लो, कादिर राणा उन्होंने भी ये कहा भाई फैसला कर लो साहब। मैंने कहा कि मेरा फैसला उपरला करेगा, मैं फैसला कानून करेगा, कानून के हाथ में मेरा फैसला। तो आप क्या चाह रहे हैं साहब? मैं चाहूँ मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, अब भी ये फिलहाल कट्टर बंदूक का लगाओ फिर रहे? कब से लगाओ फिर? ये जी 3-4 दिन से लगाओ फिर रहे, 21वां केस मेरे पे कल लगा है इन्होंने झूठा, और बोरिया भर भर के इन्होंने अपने घर पे सामान के रख रखे के लिख लो कोई सा भी घर से बाहर निकलेगा जो अंजाम उसका हुआ वो एक का है, वही 4 का है, और 4 को मार देंगे जब भी इतना ही है और 1 को मार देंगे जब भी इतनी सजा है। मुझे इंसाफ चाहिए खुदा से। आपका नाम? अनस। बताइए पूरा मामला क्या हुआ? जी मैं यहाँ पे आ रहा था 7:30 बजे और रात को इधर से बाल उन फेरी बस आया था, मैं बच्चे को बाल बेच के काले से अपने चाचा के दौरे से आ रहा था बाल बेच, तो मुझे 2-3 आदमी ने तो घेर जी। अच्छा, किस किस ने घेरा? ये सलीम था, लक्कड़ था जी, आलम था। अच्छा, 3 जने थे, 2-3 और थे वो भाग गए थे ना। तो ये जो आपके निशान हो रहे पेट पे, निशान काय क्या है? ये जी छर्रो के हैं, तो गोले मार रहे जब मेरे भाई के अंदर बढ़ गए जब लगे थे जी। ये छर्रे के निशान है ना आपके? गोली मारी 4 बजे दिन के, दिन के 4 बजे बरसाई थी जब, दिन में 4 बजे छर्रे लगे थे घर में घुस के मार रहे थे, मैं स्कूल से आ रहा था जब उस टाइम पूरा अड्डा देख रहा था पूरा अड्डा। जी आपका नाम? जी नौसाद। बताइए आपके साथ क्या हुआ है? जी मैं 2-3-4 बार एप्लीकेशन दे चुका, कप्तान के यहाँ भी, सीओ के यहाँ भी, फिलहाल भी दे रखी है। पूरा मामला क्या हुआ है आपके साथ में? सन 2016 में मेरा भतीजा मरा था, 16-17 साल की उम्र थी। अच्छा। जिसमें ये 7 अपराधी हैं,
ये जिसमें मेरे गोली सिर पे लगी हुई है, दो बार हमला हो चुका। अच्छा। जिसमें मेरे पे दबाव दिया जा रहा है, मेरी परिवार पे दबाव दिया जा रहा है, ये तुम जो है गवाही नहीं दोगे। अच्छा। गवाही दोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। कौन आदमी बोलता है मारने के लिए? सलीम लक्कड़, नदीम आलम, वकील राजा, वकील इसमें सात आदमी है, सातों के सातों बोलते हैं, पूरे परिवार का हमारा लिखना पढ़ना भारी है, अजीब हालत बहुत बुरी है। तो आप क्या चाह रहे हैं ये बताओ? हम तो इंसाफ चाह रहे हैं जी, अब इंसाफ मिले। अच्छा जी, पुलिस प्रशासन क्या बोलता है? पुलिस सही है, दबाव उस पर ऊपर से दबाव पड़ जाता है नेताओं का, पुलिस का कुछ नहीं उठता बेचारी का। अच्छा जी, कोतवाल अच्छा है, सब बात अच्छी है, दबाव ऊपर से नेताओं का पड़ जाता है, नेता दमंग आदमी है बहुत बड़े। जिस बच्चे का छर्रे लगावे वे कहाँ है? ये मुजफ्फरनगर के बिरालसी में बीजेपी विधायक अमरीश राणा की आवास पर एक मीटिंग हुई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें किसान मजदूर और बेरोजगारों के साथ लेकर राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाएगा। प्रदेश के किसान संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। राजनीतिक मंच के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चार जिलों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग उठाई जाएगी। इस मौके पर बीजेपी विधायक अमरीश राणा, मास्टर सोहन सिंह, रामवीर सिंह के साथ अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन बुधवार को सांकेतिक हड़ताल पर है। यह हड़ताल सुबह 6 बजे से शुरू हुई, जो 24 अक्टूबर को सुबह 6 बजे तक रहेगी। पेट्रोल डीजल भराने आ रहे पेट्रोल पंप पर गाड़ियों चालकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और बिना पेट्रोल डीजल भराए ही वापस जाना पड़ रहा है। मांग को लेकर आ जाता है पेट्रोल पंपों की हड़ताल। आज राज्य सरकार ने जो पिछले 5 महीने पहले वेट बढ़ाया था पेट्रोल डीजल पर, उसको लेकर पड़ोसी राज्यों से राजस्थान में पेट्रोल डीजल की रेटें, पड़ोसी जो भी राज्य हैं सबसे ज़्यादा राजस्थान में, इसलिए बिक्री पे पड़ोसी बॉर्डर पर जो पंप है उनके बहुत फर्क पड़ रहा है और गवर्नमेंट को भी राजस्व का बहुत नुकसान हो रहा है। डीजल की बिक्री पिछले 3 महीनों में बहुत कम हो रही है, इसलिए हमारी मांग है कि वेट को कम किया जाए, जिससे पड़ोसी राज्यों से रेट की जो तुलना है वो कम हो सके, इसलिए बिक्री पे कोई फर्क नहीं पड़े। ये हड़ताल कब से कब तक रहेगी? ये हड़ताल आज सुबह 6 बजे से लेकर कल 24 तारीख को सुबह 6 बजे तक 24 घंटे की। आपका नाम? अरुण चौधरी।